सुनो, मुझे ना तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज़ देनी है। शॉकिंग न्यूज़? दो ना, जल्दी से बताओ ना। तुम्हारी अम्मी आई थी घर और आके ये ऐलान करके गई हैं कि वो तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करेंगी। और यही नहीं, यही नहीं, ये भी कहा है उन्होंने कि अगर उनको कोई भूतनी भी पसंद आ गई ना, तो आप जनाब को इनकार करने की इजाजत नहीं। जाने दो, ऐसा कैसे हो सकता है? तमीज देख के तो उठो। और ये मैं नहीं कह रही भाई, ये तुम्हारी अम्मी जी के अल्फाज हैं। परी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि हम आरजू जी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और तुम कैसी दोस्त हो, तुमने मुझे ये खबर ऐसे ही बता दी। देखो, तुम्हें मेरे रास्ते के कांटे चुनने होंगे, तुम्हें दो दिलों को मिलाना होगा, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ परी। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे मेहनत का काम तो मैं ही करूंगी, वो भी लंगड़ाते हुए। और आप किस लिए पैदा हुए हैं? सहरा बांधने के लिए। परी तुमने खुद तो कहा था कि तुम अकलमंद हो। अरे तो हाँ हूँ मैं अकलमंद, उस बात में थोड़ी कोई शक है। बस यार ये नहीं समझ आ रहा कि ये मसला इसका हल कैसे निकाले। अब क्या होगा? नहीं, लेकिन तुम फिकर ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या वाकई? मैं तो तैयार हूँ परी। अभी नहीं भाई, कल वल चलते हैं, बस तुम तैयार रहना। देखा ये किए ना तुमने पक्के दोस्तों वाली बात, माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अब देखो मार्केट का बेस्ट दूल्हा मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ। क्या चंगेज खान की औलाद? या अल्लाह मुझे माफ करना, ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ। लगता है ये जबरदस्ती मेरे हवास पे सवार होने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन मैं भी इसे कामयाब नहीं होने दूंगी।